तो जनता का फैसला, सवाल यह कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बनेगी अब किसकी सरकार, क्योंकि कांटे का मुकाबला, निर्दलीयों पर दाव। खबर यह कि बीएसपी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच में एक तरफ छत्तीसगढ़, जहां पर पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ राजस्थान, जहां उम्मीद नहीं थी बीजेपी को लेकिन उम्मीद से ज्यादा मिला। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी, और तीसरा सवाल मध्य प्रदेश का, जहां पर बीजेपी की साख दांव पर है और किसी भी हाल में वो मध्य प्रदेश को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है। आइए जरा सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान आया है, मध्य प्रदेश के भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें कांग्रेस को समर्थन देगी सपा। ये बड़ा बयान, कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त कड़ा मुकाबला जो चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है, और माना जा रहा है कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है सपा। रामगोपाल यादव का एक बड़ा बयान, आइए जरा आपको सुनाते हैं रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। झालरापट्टन सीट से भी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है और इस सीट से वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई है। यह बड़ी खबर, आपको बता दें, वसुंधरा राजे अपनी विधानसभा सीट बचाने में कामयाब हुई और ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि क्या वसुंधरा अपना चुनाव भी जीत पाएंगी या फिर नहीं, जो कि जिस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र किया जा रहा था, क्या उसका नुकसान कहीं वसुंधरा को तो नहीं झेलना पड़ेगा खुद। लेकिन चुनाव वो जीत चुकी हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबरें, आपको बता दें हमारे साथ जो पैनल इस वक्त मौजूद है, AK मिश्रा जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से भी एक मेहमान, मुकेश जी, जो कि कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले अनुज जी आपके पास आना चाहेंगे, सर ये संदेश क्या वाकई में इन आंकड़ों में छिपा है 2019 के लिहाज से क्या है? 2019 एक चुनौती बन गया है भाजपा के लिए, और अभी स्थिति ये है कि ना तुम जीते ना हमारे, क्योंकि जो उत्साह था भाजपा को, जो एक था कि अच्छी जीत मिलेगी तो उत्साहित होगी, या कांग्रेस को था कि अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री कर लेती है तो बहुत ज़्यादा उत्साह से जाएगी, तो दोनों ही एक जनता ने ऐसा कर दिया है कि ना इसको इधर कर, इधर पूरी जीत दी ना उसको पूरी हार दी है, बीच में खड़ा कर दिया दोनों को। तो दोनों के लिए अब जनता भावुकता में या भावनात्मक मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, उसको परफॉर्मेंस पर वोट देने का उसने सीख लिया है। ये एक मैंडेट बहुत बड़ा ये निकला है इससे कि अब आप जनता को उलझा नहीं सकते, भावनात्मक मुद्दों में बहा नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियों में परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा मैटर है। अब कांग्रेस शासित राज्यों को भी परफॉर्म करने पड़ेगा, और बीजेपी ने जहां जहां गलतियां करी हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के स्तर पर करी हो, चाहे जिले के स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन की रही हो, या उनके पार्टी नेताओं का अहम रहा हो, तो सारे स्तरों पर जो भी काम है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सबको नए सिरे से अपनी रणनीतियों को तय करना पड़ेगा। मुकेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी सर, विश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है सर? नहीं, आत्मविश्वास तो कभी हमको रहा ही नहीं सर। मैंने हमने सदैव काम किया और मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं। आपको टैली बताऊं सर, मैं मध्य प्रदेश की अभी जो रुझान आ रहे हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी 114 सीटें हो गई बीजेपी की रुझान के हिसाब से, हाँ, और कांग्रेस 106 अन्य 10। अब बताइए सर, पोस्टर याद है कमलनाथ जी का? परिणाम आते आते कांग्रेस के पक्ष में बहुमत आ जाएगा तिलक जी। अच्छा, अब रुझान जब परिणाम में बदलेंगे तब कांग्रेस के पक्ष में बहुमत आ चुका होगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, क्या वाकई में ये आंकड़ों से आप संतुष्ट हैं? ये जो आंकड़े आ रहे हैं जी, ईमानदारी से देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तो सबको स्वीकारना पड़ेगा, और जिस तरह से सर, कांग्रेस परफॉर्मेंस के आधार पर कार्यकर्ता ने, आपने कहा ब्रेक से पहले कि राहुल गांधी ने जो बहुत मेहनत की, राहुल गांधी जी की वजह से जो है वहां पर इस तरह का उम्मीद जनादेश आ रहा है, आपने यही कहा था? देखिए उम्मीद तो हमको बहुत ही, लेकिन जनता जो जनादेश दिया उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा, और मुझे लगता है जो आपके टीवी स्क्रीन पे जो अभी रुझान दिख रहे हैं, परिणाम आते आते मध्य प्रदेश में भी हम पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारा
जो आंकड़े दिखा रहे हैं टैली आपके अकॉर्डिंग चल रही थी तो आप कह रहे थे बहुत बढ़िया। देखिए देखिए हम देख सरकार बना रहे वो जश्न जश्न चला रहे हैं हम साथ में। देखिए आप विंडो में चल रहा जश्न आपके घर में जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। इसलिए पूछ रहा था विश्वास और अति आत्मविश्वास। नहीं नहीं जो जश्न नहीं नहीं हमारा कभी अति आत्मविश्वास कभी नहीं रहा और हमको विश्वास है कि जब ये परिणाम में रुझान बदलेंगे तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। ये मेरा विश्वास है ये। अच्छा और ये जो चुनाव था ये चुनाव जिस तरह से मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा था तो जनता ने बता दिया कि अब 2019 का परिदृश्य क्या होगा। सर छत्तीसगढ़ राजस्थान मुकेश जी मध्य प्रदेश में ले लीजिए। समझ नहीं रहे या मुझे समझाना नहीं चाह रहे। जिस दो चीजें आप जिस तरह से सीधी सीधी बात करते हैं वसुंधरा राजे हाँ, राजस्थान लोग सड़कों पर उतर के कह रहे थे वसुंधरा रानी तेरी खैर नहीं और उसके बावजूद ये नतीजे सामने आ रहे हैं कि वहां पर आपको सरकार बनाने के भी लाले पड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने पूरा का पूरा अभियान चलाया तमाम बड़े नेता जमीन पर उतरे उसके बावजूद आप टक्कर दे रहे हैं वहां पर सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं आप। तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ जहां पर आपको क्लीन स्वीप मिली वहां पर किसने कितनी मेहनत की मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा लेकिन फिर भी ये आपके लिए संदेश नहीं है तो बताइए क्या है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आप लोग जो हैं ये स्थिति पे आ रहे हैं कि भैया देखिए हम पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं हम खुश हैं पास हो गए। देखिए अभी आते छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां तो क्लीन स्वीप है। राजस्थान में भी हम बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं सर और मध्य प्रदेश में जब तक परिणाम आएंगे तब हम बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुके होंगे। सर अभी 10 सीटें पीछे हैं आप 10 सीटें का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है 114 106 सामने ही दिख रहा है कि हम कितना पीछे हैं 114 106। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था क्या बजा रही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आप लोग की ये स्थिति रही कि पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। मुकेश जी मुकेश सिंह चौहान जी सर मैंने कहा क्या वजह रही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद जो है आप लोगों की स्थिति यह है। देखिए आपने मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार ने किस तरह से लोगों को प्रभावित करने का काम किया जिस तरह से स्ट्रांग रूम के पास कहां कहां ईवीएम मिली कहां कहां क्या गया ये तो आप भी जानते हैं। आप लोग लगातार न्यूज दिखा रहे हैं होटल के कमरे में भी ईवीएम मिली ये बड़ी तो आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से पूरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सबने मिलके चुनाव किस तरह से प्रभावित किया लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईवीएम किसने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूं तिलक जी कि चुनाव का परिणाम आते आते हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। सर मेरा सवाल कुछ और है आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने पूछा कि भैया वसुंधरा जी के खिलाफ नारे लग रहे थे कि रानी तेरी खैर नहीं मोदी तुझसे बैर नहीं उसके बावजूद आपकी स्थिति तो बीजेपी वाले स्वयं लगा रहे थे। सर मैं तभी तो पूछ रहा हूँ उसके बावजूद भी आप पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं ये क्या विचार नहीं आपके लिए। वहाँ की जनता ने सरकार से बेदखल कर दिया वसुंधरा को वसुंधरा को वहाँ की जनता ने सरकार से बेदखल कर दिया। अनुज अग्रवाल जी प्लीज जरा करेक्ट करिए मैं समझ नहीं पा रहा या फिर ये समझा नहीं पा रहे हैं देखिए बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो जितना अच्छा माहौल था भाजपा के खिलाफ तीनों राज्यों में एक एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और परंपरा थी राजस्थान में उसको जिस तरीके से कैश कराना चाहिए था उसको कामयाब कैश कराने में कामयाब नहीं रही। छत्तीसगढ़ में बिना नेताओं के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और उसके एनजीओ नेटवर्क ने जीत दिला दी लेकिन वही काम कई सारे नेता होने के बाद भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ बिल्कुल त्रिशंकु स्थिति अभी बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं एक तो कहीं ना कहीं पार्टी का कैडर जो था उसका जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था और बहुत सारे जिलों में मैंने देखा पार्टी का कैडर ही नहीं है और नेताओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया लड़ रहे थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लड़ रहे थे तो आपस में क्लैशेस थे। यहाँ सीपी जोशी अलग बयान दे रहे थे
राजस्थान में, फिर सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की अपने आपस में लड़ाई चल रही थी, वो प्रॉब्लम थी बहुत सारी, एसओ के ऐसा टिकट बंटवारे के बड़े झंझट रहे, तो ऐसे ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करी कांग्रेस ने, जबकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके सामने, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, इस समय अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती तो लोकसभा के लिए उनका मार्ग प्रशस्त होता। 2013 में इसी माहौल में भाजपा ने बहुत अच्छी अपनी बढ़त बनाई और लोकसभा में मोदी जी का पूरा फुल मेजोरिटी आए और कांग्रेस इस सारे मौके को गंवा पूरे तरह से कैश कराने में कामयाब नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है कांग्रेस का। एक दो राज्यों में सरकार बन जाए वो बड़ी बात नहीं, लेकिन तेलंगाना भी में बहुत खराब स्थिति रही है, मिजोरम पूरा हाथ से निकल गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न है कांग्रेस के लिए। इसलिए ज्यादा जीत का जश्न मनाना नहीं चाहिए उनको, सच में अगर लोकसभा चुनाव में लड़ना बराबर की फाइट देनी भाजपा को, तो बहुत सारे स्तर पर बहुत सारी रणनीतिक फेरबदल करने होंगे, बहुत सारा चिंतन करना होगा। अनुज जी ने अपनी बात तो रख दी अब, लेकिन मेरे को एक बात मुकेश जी जल्दी से समझा दीजिए, फिर मैं एके मिश्रा जी के पास जाऊं। अगर ये वाकई में आप लोगों के लिए सुखद एहसास है, ये आंकड़े वाकई में आप लोग सुकून ले रहे हैं, वाकई में आप लोग खुश हैं, वाकई में आप लोग जश्न मना रहे हैं, इसका फैक्टर क्या दिखाई देता आपको? किस वजह से आप लोगों को ये नतीजे जो हैं आए हैं, इसका असर क्या दिखाई देता आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ गई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ गई, दो स्टेटों में कांग्रेस आ गई, और तीसरा स्टेट जो है अभी तो काउंटिंग चली रही है। मैंने आपसे कहा सर, मैंने कहा राजस्थान में तो 102 सीट पे जीत गए, सारे राज्यों में जीत गए, मैं कह रहा हूँ सारे राज्यों में जीत गए आप, इसका वजह क्या है, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? नहीं 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 सर, देखिए आप क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन करिए। सर मेरे बिल्कुल साफ क्वेश्चन है, पांचवी बार पूछ रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? जो ये आंकड़े कह रहे हैं आप, भैया हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पक्ष में है आंकड़े और हमने जो मेहनत की उसका नतीजा है, उसकी वजह क्या है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा जब 2014 में जब बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, दो करोड़ लोगों को रोजगार नौकरियां देने की बात कही गई थी, 15 लाख लोगों को अकाउंट में देने की बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, काला धन विदेशों से लाने की बात कही गई थी, और जिस तरह से इन उम्मीदों पे जनता के खरे नहीं उतरे, किसानों के, राहुल गांधी रोजगार करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार मुकेश सिंह चौहान जी सीधी बात करिए ना सर, आप घुमा रहे हैं मुझे बहुत देर से, आप मैं सीएम के साथ सुन रहा हूँ सर, की बात पूरी हो जाने दीजिए सर, पूरी में वही पूछ रहा हूँ ना, बेरोजगारों ने क्या राहुल जी को रोजगार देने पर वोट दिया क्या? आप जवाब दीजिए ना, कर्नाटक में आप जवाब दीजिए ना, किसान किसान राहुल गांधी की बात हो चाहे बेरोजगारों की पहली पसंद है राहुल गांधी करने की बात कही, बेरोजगारों की पहली पसंद है राहुल गांधी पूरा किया, या सुनो बेरोजगारों की पहली पसंद है राहुल गांधी भ्रष्टाचार में व्याप्त है। मुकेश सिंह चौहान जी, राहुल गांधी की पहली, राहुल गांधी पहली पसंद है क्या बेरोजगारों की? बेरोजगारों की पहली पसंद है राहुल गांधी, आप ये कह रहे हैं? राहुल गांधी जी नौजवानों की पसंद है, राहुल गांधी जी किसानों की पसंद है, राहुल गांधी जी मजदूरों की पसंद है। एक सुझाव दे रहा हूं, गांधी जी दलित वंचितों की पसंद है। अमेठी मॉडल ले आइए, अमेठी मॉडल ले आइए और फिर मांगिए वोट, ठीक है सर? अगर आप कह रहे बेरोजगारों की पहली पसंद है राहुल गांधी, देखिए तो अमेठी मॉडल लाइए और वोट मांगिए। गुजरात मॉडल की जब पहले आप बात करते थे, गुजरात सर मैं अमेठी मॉडल की बात कर रहा हूँ, गुजरात मॉडल की आप टेंशन क्यों लेते हैं अमेठी मॉडल के नाम पर? में क्या है वो सर, आप चिंता क्यों करते हैं? और आप मांगिए मुकेश कुमार, आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ, आपको इस चैनल में फिर चुनौती दे रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस के नेताओं को बोलता हूँ, आप नाराज मत होइए, बनारस में कितने मुकेश सिंह चौहान नाराज मत होइए, मैं फिर कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूँ, आप अमेठी मॉडल के नाम पर वोट मांगिए, कौन रोक रहा है आपको? आप अपील करिए, आपको सिंगल विंडो पर कटवाऊ में वोट करेंगे, अपील करेंगे कि भैया पूरे देश में हम अमेठी मॉडल कायम करेंगे, हमें वोट दो, बोलेंगे आप, बोलेंगे आप, बोलेंगे सर, आपसे मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप बोलिए ना, मंत्री जी ने कौन सा उद्योग धंधा लगा दिया मुकेश सिंह चौहान जी, बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलेंगे तो यही पूछूंगा मैं। मुकेश सिंह चौहान जी,
मैं आपसे कह रहा हूं, आप बोलिए पूरे देश में 2019 में हम चुनाव जीतेंगे तो अमेठी मॉडल की तरह पूरे देश को बनाएंगे। आप बोलिए ना, आप नाराज हो गए सर, प्रधानमंत्री के अमेठी मॉडल से नाराज हो गए कितने उद्योग लगे सर, नाराज हो गए ना जी, बता दीजिए प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में सर, मैं तो 2003 से हिसाब ले रहा हूं, आप दीजिए ना सर कितने उद्योग लगवाए सर, नाराज क्यों हो रहे हैं अमेठी मॉडल से, वो तो गुजरात मॉडल के नाम पे वोट मांगते हैं, बैठे होंगे तो उनसे भी पूछ लूंगा, अभी नहीं है ना, इनमें से कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, अरे इनसे पूछ तो हम भी, आप बताइए अमेठी मॉडल से परेशान क्यों, हमारे नेता ने अमेठी का विकास किया है, वहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। एक सेकंड में दिल्ली मुख्यालय जा रहा हूँ, अभिषेक सुबह तो सन्नाटा पसरा हुआ था, जरा बताइए इस वक्त की क्या तस्वीर है, बीजेपी को उम्मीद दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश बचा भैया आप तो। देखिए जब जैसे ही ये खबरें आई कि हाँ मध्य प्रदेश में कुछ थोड़े से कांटे की टक्कर है और कुछ आगे निकलती हुई दिख रही है, तब जाकर के यहाँ पे जो मीडिया सेल है वहाँ पे कुछ खास प्रवक्ताओं को ही मीडिया से बात करने की इजाज़त दी गई है, वो भी लाइव टेलीकास्ट पे, कोई भी इस तरह से आकर के मीडिया पे बाइट नहीं दे रहा है किसी चैनल को, क्योंकि उनको सख्त हिदायत है कि वो अभी इस पूरी तरह से जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती है वो बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, जो कि दीनदयाल मार्ग पे स्थित है, तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल सन्नाटे वाला है। जो मुख्य द्वार है, दो मुख्य द्वार हैं वहाँ पे, आम तौर पे जो चुनाव नतीजों के दिन होते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहता है, बड़े बड़े नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पे तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सन्नाटे वाली हैं, कांग्रेस के बिल्कुल उलट हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस में हमने सुबह तस्वीरें दिखाई थी अपने कैमरे के माध्यम से कि वहाँ जश्न का माहौल था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जी तिलक, अभिषेक जरा अपने सहयोगी कैमरामैन को बोलिएगा जरा मुख्यालय का नज़ारा दिखाएं, ये वही मुख्यालय है जहां पर अक्सर चुनाव के वक्त जिस वक्त नतीजे आने वाले होते हैं उससे पहले बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगता है और जश्न ढोल नगाड़े होते हैं, आज कैसा माहौल है जरा दिखाइए जरा। जी निश्चित रूप से मैं अपने सहयोगी फुरकान को कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा को पैन करके दिखाएं कि ये जो देख रहे हैं आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, अभी शायद यहाँ पे जो हमारे पास सूत्रों से हवाले से खबर है कि अमित शाह शायद आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करेंगे चुनाव नतीजों को लेकर के, शायद वो 3 बजे का वक्त होगा। लेकिन जो आप सड़क देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं और VVIP सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों की गाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके अलावा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता इधर से आपको ना तो आता दिखेगा ना ही जाता दिखेगा, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल कुछ नेता को ही जो पीछे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के पीछे जो मीडिया सेल बनाया गया है वहाँ पे लाइव डिबेट में बैठने के लिए कुछ नेता को ही चिन्हित किया गया जो कि वहाँ पे आकर के मीडिया को बाइट दे रहे हैं। जी तिलक, चलिए अभिषेक कांग्रेस भवन में भी थे आप मौजूद, वहाँ की तस्वीर और यहाँ की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है, बीजेपी को लगता है इस वक्त मंथन की जरूरत है और मंथन के हिसाब से ही कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़ा जो है एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें, अभिषेक हम आ रहे हैं आपके पास थोड़ी देर में, 110 सीटें बीजेपी और कांग्रेस भी 110 सीटें रुझान के हिसाब से और 10 अन्यों के खाते में। AK मिश्रा साहब, आज बीजेपी लगता है कि मंथन और चिंतन अमृत निकालेगी, आज बीजेपी लग रहा है और चिंतन से अमृत नहीं निकलेगा, अगर अमृत निकलता तो इनकी क्लियर कट सरकार बनती तब हम उसको बोलते कि अमृत निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मंथन और चिंतन किया नहीं था और इनको पता नहीं था, कुछ ना कुछ बीजेपी में खूबियां हैं। देखिए ये सब हुआ क्या, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये बड़ा कांटे का टक्कर होगा, कांग्रेस जो इतना अच्छा परफॉर्म कर गई है उसके पीछे रीजन है, पॉलिटिक्स में हमेशा लोगों को विक्ट्री या परफॉर्मेंस मिलती है तो रूलिंग पार्टी की गलतियों के कारण, बीजेपी ने भी यही किया, ठीक है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी जी एक ब्रांड थे, 4 साल से मोनोटोनस नेचर चल रहा था, जो प्रॉमिसेस ये लगातार करते जा रहे थे ये ग्राउंड पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, गैप बहुत था, पब्लिक हमेशा चाहती है कि प्रॉब्लम से उसको राहत मिले, चाहे वो टैक्स के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, सख्ती पे सख्ती ये करते चले गए, चीजों को धीरे धीरे करना चाहिए, उसका ये रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी जो ये दावा करती थी कि हम सुंदर और साफ सुथरी सरकार है, हमारे ऊपर बेदाग हमारी छवि है, वहां पे क्या हो गया आप देख लीजिए, क्लीन स्वीप वाली बात करने वाली बीजेपी आज MP और यहाँ पे जहां पे दोनों जगह ये बहुत अच्छे थे, खैर राजस्थान में देखे तो कुछ इनकी अपनी इंटरनल फाइट भी इनको ले डूबी, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो इंटरनल गुटबंदी थी उसके कारण भी ये आ गया। देखिए इतना अच्छा मैनेजमेंट होते हुए, बूथ लेवल पे इतना अच्छा इन लोगों का नेटवर्क होते हुए अगर ये इस लेवल पे गिर गए हैं कि एक एक सीट के लिए फाइट करनी पड़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि 2019 इनके लिए बहुत मुश्किल है। उसके पीछे एक रीजन और है, इनके 2 सुपर ब्रांड थे, किसी भी मुख्यमंत्री को तो इन्होंने ब्रांड बनने नहीं दिया एक्सेप्ट योगी, मोदी ही इकलौते ब्रांड थे पूरे इंडिया के लिए। अभिषेक जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ, अभिषेक क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
अभिषेक जल्दी से मुझे एक बात बताइए, आप दोनों के मुख्यालयों पर गए, कांग्रेस मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय, अब मुझे बताइए कि भैया जो कांग्रेस मुख्यालय का जो नजारा था वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं और अभी आपके पीछे जो है बीजेपी के घर का सन्नाटा भी देख रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से बात जब आपने की तो किस बात को लेकर खुश थे? क्या उनको दिखाई दिया कि भैया राहुल गांधी कम बैक कर रहे हैं, राहुल गांधी जो हैं 2019 के लिहाज से अब तैयार हो चुके हैं, या फिर ये जश्न सिर्फ और सिर्फ ये था कि भैया हमारे पक्ष में आया? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि ये जो नतीजे आए हैं और कांग्रेस को जिस तरीके से एक मॉरल जीत मिली है, मॉरल जीत ही नहीं कहूँगा बल्कि जिस तरीके से तीन राज्यों में वो सरकार बनाती दिख रही है अभी, तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक बहुत ही जोश आया है और जिस तरीके से उनका उत्साह था वो 2019 के लिए बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और जहां तक आपने बात की है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के ऊपर में भी एक कार्यकर्ता से जब हम लोगों की बात हो रही थी, उन्होंने आधिकारिक तौर पे कैमरे पे कहा कि जो अब तक हमें राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, अब वो छप्पू बन करके 2019 के चुनाव में छक्का लगाएंगे। तो आप इन लाइनों का मतलब समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी की एक छवि बनाई गई थी या वो थे या जो भी हकीकत है, उससे उलट बिल्कुल कार्यकर्ताओं के अंदर में एक जोश भरा हुआ है। और राहुल गांधी के नेतृत्व पे, जो कि आज उनका एक साल पूरा हुआ है अध्यक्ष पद पे आए हुए कांग्रेस के, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ में कार्यकर्ताओं ने आज जाकर के जो कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन जो जश्न मनाया है उन वो तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखाया। और निश्चित रूप से राहुल गांधी का भी कद कहीं ना कहीं राजनीति में बढ़ा है। जी तिलक। चलिए अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा। आपको बता दें कि इस वक्त जो मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से, आप जरा उनके पास भी रुक कर लेते हैं। मुकेश जी, आप ये माने कि जो भी नतीजे आएंगे, चलिए मैं आपके हिसाब से कह देता हूं कि सब जगह कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, जो हकीकत है आप भी जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 114 और 106 और अन्य 10 और मैनेजमेंट के हिसाब से आप हैं अब तक के इतिहास के हिसाब से सरकार बनाने में दिक्कत होती है आपको, ये भी हकीकत है, आप जानते हैं आंकड़ा होने के बावजूद भी। लेकिन यहां पर आंकड़ा अगर बीजेपी के पक्ष में आता है किंतु परंतु फिर भी, महागठबंधन के लिए राहुल गांधी अब तैयार हैं? अब नेता कबूल कर लेंगे महागठबंधन के जितने भी नेता एक छत के नीचे लाने की कोशिश आप कर रहे हैं? कांग्रेस 2019 में समान विचारधारा के लोगों को साथ लेके चुनाव लड़ेगी, और अभी जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, आखिरी परिणाम तक कांग्रेस बहुमत हासिल कर लेगी, ये मेरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में तो क्लीन स्वीप कर चुकी, राजस्थान में हम रुझानों में भी बहुमत के आंकड़े के करीब में है, उससे क्रॉस कर गए, लेकिन मध्य प्रदेश में रुझान अभी मैंने कहा जो कि इस हिसाब से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब मान ले कि महागठबंधन का भविष्य तय हो जाएगा। सर मेरे सवाल को समझिए, महागठबंधन की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, ये तो तिलक जी, हमने तेलंगाना, हमने कर्नाटक, हम हर जगह अपने सहयोगियों को समान विचारधारा के साथ लोगों को लेके हम चुनाव 2019 में जाएंगे, और 2019 में हिंदुस्तान की जनता इस बार बदलाव के मूड में, पांच राज्यों के चुनाव से आपको भी लग गया होगा कि अब जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। महागठबंधन का भविष्य तय हो जाएगा, अब सीधा सवाल है, बिल्कुल सिंपल, जहां पर एक तरफ मायावती अकेले खड़े होकर आपको लड़का नहीं थी, जवाब दे दिया कि अभी समान विचारधारा के, अब स्थिति साफ हो जाएगी। आपको लगता है राहुल गांधी ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया और सारे नेता कबूल कर लेंगे कि हाँ यही हमारे नेता हैं? अभी कल यूपीए की बैठक हुई और उसमें राहुल गांधी जी ने उस मीटिंग को हिट किया और साथ में सभी सहयोगी दल थे, तो आप ये समझ लीजिए कि सभी हमारे साथ हैं। मायावती की पार्टी से कौन था? और जो लोग अखिलेश यादव की पार्टी से कौन था? पहुंच जाएंगे साथ में। कौन था अखिलेश जी की पार्टी से कौन था और मायावती जी की पार्टी से कौन था, बताइए? मैंने कहा कि जो लोग नहीं पहुंचे थे वो आगे आ जाएंगे, मैंने ये बात कही, आपने पूरी बात सुनी नहीं सर। इन नतीजों से आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी को नेता कबूल कर लेंगे सब? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, गठबंधन के नेता तो वो होंगे ही, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दल है, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
यूपी में कितनी सीटों पर दावा ठोक रहे हैं? मतलब हर चीज क्या अभी यही टेबल पे डिसाइड हो जाएगी, जब कभी जो भी बातें होंगी सभी नेता बैठ के बात करेंगे। आप नाराज हो जाते हैं, यूपी की जिक्र करता हूं, अमेठी का जिक्र करता हूं, आप नाराज हो जाते हैं। तिलक जी, नहीं तिलक जी, हम आपसे पूछ के दावा ठोकेंगे। तिलक जी, मैं तो आप, तिलक जी सर, आप बड़ा दल है तो बड़ा दल रखेंगे ना। हमने तो ये नहीं, वो बड़ा दिल वाला किसने कहा था? बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको। मैंने नहीं कहा था ना, अखिलेश जी ने कहा था कि बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा आपको, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा था सर, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? बड़ा दिल की बात अखिलेश जी ने कही थी ना आपको। नहीं नहीं, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप टेबल पे सब डिस्कशन करा रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो जाते हैं अमेठी मॉडल के नाम से। का डिस्कशन यहाँ टीवी पे नहीं होता है। अच्छा, गठबंधन का डिस्कशन बंद कमरों में होता है। अच्छा, उसको ओपन में नहीं कर सकते हैं सर। जब बैठेंगे साथ में चर्चा करेंगे। अच्छा, उम्मीद है मायावती जी आ जाएंगी, उम्मीद है आपको? देखिए राजनीति में हमेशा ऑप्शन खुले रहते हैं और राजनीति में कभी कोई बात पहले से नहीं कही जा सकती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि 2019 में समान विचारधारा के लोग साथ में आके चुनाव लड़ेंगे। ठीक है मुकेश जी, पहले जरा कुछ बयान आ रहे हैं वो सुना देते हैं। 5 राज्यों के नतीजों के जो रुझान हैं उसका जिक्र हम कर रहे हैं और रुझानों में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस आगे चल रही है। रुझानों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। जश्न की तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ और वाराणसी की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। खुशी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी इसकी स्थिति जो है वो आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश 230 सीटें, 111 पर बीजेपी, 109 पर कांग्रेस, 10 अन्य के खाते में, बीजेपी 74, कांग्रेस 101, अन्य 24। राजस्थान की स्थिति ये है जहाँ पर 199 सीटों पर चुनाव हुआ है और नतीजे जो रुझानों में आ रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांटा अटका हुआ है मध्य प्रदेश में जहां 2020 का मुकाबला चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब सवाल कई हैं और सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो जनादेश का जिक्र हम कर रहे हैं और जनादेश आपके सामने तस्वीर रुझानों के जरिए आती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश में कांटा अटका हुआ है, 2020 का मुकाबला चल रहा है, कौन कहां पर बाजी मारेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में कांग्रेस कुछ कंफर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन यहां भी स्थिति रुझानों के जरिए बीजेपी को उम्मीद है कि वापसी कर लेगी। छत्तीसगढ़ हाथ से जा चुका है, रमन सिंह का राज खत्म हो चुका है और ऐसे में उम्मीद अब बची है कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश, और ऐसे में उसे उम्मीद है कि वो किसी भी हाल में मध्य प्रदेश को जीत दे। जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो हम आपको बता दें। राजस्थान से सचिन पायलट चुनाव जीत चुके हैं, सरदारपुरा से अशोक गहलोत चुनाव जीत चुके हैं और वसुंधरा राजे भी अपना विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है झालरपाटन से, और साथ साथ ये एक बड़ी राहत की खबर वसुंधरा के लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक नारा, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन फिर भी वसुंधरा ने अपना चुनाव जीत लिया है आसानी से। और इसके साथ साथ सचिन पायलट जो राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा है, जिन्होंने कांग्रेस को यहां तक लाकर खड़ा किया, एक लंबा संघर्ष कांग्रेस पार्टी का इन 5 सालों के भीतर, और सचिन पायलट उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ अशोक गहलोत वो भी अपना चुनाव जीते हैं। और ऐसे में किंतु परंतु की स्थिति आती है तो अशोक गहलोत एक बार फिर से सीएम चेहरे के तौर पर दावेदारी करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि यहां अनुभव के लिहाज से अगर देखें तो अशोक गहलोत भारी पड़ते हैं सचिन पायलट पे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। एके मिश्रा साहब, राजस्थान की स्थिति, वसुंधरा चुनाव तो जीत गई लेकिन किंतु परंतु की स्थिति आती है तो फिर डैमेज करना और डैमेज सहना
अशोक गहलोत बाजी मार सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। अगर हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें ना, तो बीजेपी के पास इन कैंपेनर, देखिए जब आप सत्ता में होते हैं, बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो कुछ नेचुरल यूएसपी आपके पास होते हैं, जिसके कारण ये जो है कांग्रेस के ऊपर, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद जो मैनेजमेंट होता है, कि अगर मान लीजिए कुछ किंतु परंतु वाली बात आती है, कुछ विधायक चाहिए तो उन विधायकों का समर्थन कैसे लिया जाए, इसमें भी बीजेपी थोड़ा ज्यादा माहिर है। तो मुझे लगता है कि अभी असली रिजल्ट यहाँ पे जो है 3-4 दिन हो सकता है और टाइम लगे, जैसे कर्नाटक वगैरह में हुआ था, कुछ गेम वगैरह चले यहाँ पे भी कि कौन हमारी तरफ आ रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है। और एक चीज बता दूं, बीजेपी अगर अभी कुछ बोल नहीं रही है ना, देखिए बीजेपी के नेता अभी आ नहीं रहे हैं कहीं पे, केवल कांग्रेस के नेता है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल प्लान्ड, जो मुझे लगता है कि जैसे ही अगर ऊहापोह वाली स्थिति हुई, क्लियर कट मैंडेट नहीं हुआ या कुछ कम ज्यादा हुआ, तोड़ना फोड़ना, लोगों को जो मतलब इकट्ठा करना, समर्थन लेना, समर्थन देना, ये सारी चीजों का गेम शुरू हो जाएगा। ये 2-3 आधे घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ये चीजें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दोनों पार्टियां लगी हैं, लेकिन बीजेपी के पास नेचुरल यूएसपी है, क्योंकि ये करंट में भी, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट में है और सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो एक नेचुरल पावर का प्लस पॉइंट जो होता है वो होता है सिटिंग गवर्नमेंट के पास। मुकेश जी, ईमानदारी से सवाल का जवाब, डर तो नहीं लग रहा? जी बताइए डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। डर काहे लगेगा? नहीं, जिस मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे थे मिश्रा साहब, ध्यान है, परिणाम बदलने दीजिए तिलक जी। मैनेजमेंट तो कर्नाटक में भी तो किया था, गोवा में भी किया था सर। मैनेजमेंट जो है वो दो विधायकों वाला मैनेजमेंट भी याद होगा आपको, मुख्यमंत्री बन गए, भूल गए क्या आप? और उसके बाद क्या हुआ? फ्लोर टेस्ट के पहले येदुरप्पा जी इस्तीफा दिया थे। तो मैनेजमेंट का कोई, देखिए अभी मेरा जो मेरा विश्वास है कि जब तक परिणाम आएंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल चुका होगा। रुझान एक बार फिर से बता दूं मध्य प्रदेश के आपको, 115 बीजेपी, कांग्रेस 105, अन्य 10। उम्मीद है अभी बाकी? बिल्कुल बाकी है। अनुज अग्रवाल साहब जी, बहुत कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लगभग स्थितियां जब तक रुझान परिणाम में बदलेंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस फिर बहुमत में आएगी। अब स्थितियां मुझे लगता है भाजपा के पक्ष में जा रही हैं, मध्य प्रदेश में कम से कम भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। हालांकि राजस्थान में इनके लिए स्थितियां अभी भी भाजपा के लिए मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय और अन्य जो है वो 24 है, तो उससे कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस 100 के आसपास है, 98-99 के बीच घूम रही है, तो कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में मुझे लगता है राजस्थान में आ जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए सरकार बनाना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश अगर हाथ से खिसकता है, तो उसका मैसेज क्या होगा, शिवराज या फिर मोदी? देखिए, राज्य के चुनावों में लोकल फैक्टर बहुत बड़े काउंट करते हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी भी हर तरफ लगे, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी लगे, उसका हमने जिक्र नहीं किया बहुत देर से, लेकिन यहाँ 3 फैक्टर लगे। नहीं, योगी 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 हिंदुत्व का चेहरा लेके गए, मोदी जी विकास का चेहरा लेके गए। छत्तीसगढ़ में फिर क्या हुआ? फिर एक मुख्यमंत्री ने तो पैर छूकर अपने अभियान की शुरुआत की। स्ट्रेटजिकली गलत रहे ये लोग, छत्तीसगढ़ में अपने वोट बैंक में इन्होंने एक अजीत जोगी और बसपा का कॉम्बिनेशन खड़ा करा दिया, वो लॉजिकल नहीं था, वही इनकी सीटें थी और उनमें दूसरी पार्टी आ गई, तो इन्हीं के वोट और इन्हीं की सीटें खड़े। जो अजीत जोगी की तो अपनी पार्टी थी सर, बीजेपी ने थोड़ी खड़ा करवाया, कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट तो बीजेपी की थी उस पूरे गठबंधन में, जो चीज क्लेम नहीं कर सकते। अगर मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया और अजीत जोगी से किया है, मध्य प्रदेश में इंडिपेंडेंट लड़ी, राजस्थान में इंडिपेंडेंट लड़ी, तो उसमें भाजपा का भी काम क्यों नहीं किया? फिर आप कह रहे हैं वो फैक्टर था, तो फिर काम क्यों नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही थी सर, हमने काफी लोगों से पूछा, बीजेपी की उतनी अच्छी विक्ट्री नहीं हो रही थी, ये लग रहा था कि लगभग मार्जिन पर जीत जाएंगे, लेकिन पूरा परिदृश्य बदल दिया, ये अपने आप में कांग्रेस की बधाई की बात है। नहीं, कांग्रेस 66 सीटें अगर रुझान में दिखाई दे रही है, तो उस हिसाब से तो फिर अली और बजरंग बली नहीं चला ना? बिल्कुल नहीं चला, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान में अगर रोक सके, अगर योगी भाजपा की करारी हार को, तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ज्यादा डिसाइडिंग मध्य प्रदेश राजस्थान है, जिनका नेशनल भी इंटरनेशनल भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इसका। आप ये कह रहे हैं कि इफेक्ट डाला योगी ने? बिल्कुल, योगी का डाला, हिंदुत्व का अगर मुद्दा नहीं लेके आते, राम मंदिर का मुद्दा नहीं लाते, तो भाजपा बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाता। मुकेश सिंह चौहान जी, आपको लगता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं डैमेज किया आप लोगों को एमपी राजस्थान में?
देखिए जब यहाँ इफेक्टिव नहीं है वो, तो वहाँ क्या इफेक्टिव होंगे? आप उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों पे आए थे उस पर कोई काम नहीं किया। आज कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, हाँ, लेकिन उन्होंने बजरंग बली जी की जाति में भगवान, मतलब अब हमारे भगवानों को भी अब जाति के बंधन में बीजेपी के नेता बांधने लगे। योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संसदीय सीट नहीं बचा पाए। सर आपकी पार्टी के गोत्र बता रहे हैं, तो योगी जी बाहर कोई इफेक्टिव नहीं। देखिए ये लोग केवल ध्रुवीकरण, सिंह चौहान देखिए देखिए आप गोत्र क्यों बता रहे हैं? जात और धर्म, जात और धर्म के आधार पे चुनाव तो तभी आया ना जब राहुल गांधी ने जब अपना गोत्र बताया। राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर जाकर आपके नेताओं ने बताया कि शिव जी के भक्त हैं सबसे बड़े राहुल गांधी। गोत्र देखिए तिलक जी, आप पूजा करने बैठते हैं, अगर पंडित जी पूजा कराते हैं तो आपको जानकारी होगी, वो जब पूजा कराते समय आपका गोत्र बोले तो आपको बताना पड़ता है। सर गोत्र बताना पड़ता है लेकिन प्रचार नहीं करते हम कौन से गोत्र से हैं? झूठा मेरा धर्म और मेरा नाम और मेरी जात क्या है? उन्होंने किसी सामूहिक मंच से कोई बात नहीं की, उन्होंने पूजा के दरमियान जब पंडित जी ने पूछा तब बताया ये बीजेपी की तरह आप कोर्ट पर जनाऊ नहीं दिखाते, मीडिया वाले गलत है, मान गए। चलिए ठीक है ठीक है, मजाब की बात नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है, उनके पिताजी मुसलमान, माता ईसाई, तो कैसे हिंदू हैं? एक सेकंड एक सेकंड, मुद्दों पे आते हैं, मुद्दों पे आते हैं। अगर हिंदुत्व ही मुद्दा होगा, अरे आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? एक सेकंड सर्टिफिकेट देने वाले कौन? एक सेकंड अनुचि, हो गया हो गया हो गया, रोक दिया ना मैंने, मैं जात धर्म पे नहीं आ रहा, लेकिन 2019 में जात धर्म आएगी तो फिर कैसे मुकाबला लड़ेंगे बीजेपी से, ये बताइए आप कैसे साबित करेंगे कि इनसे बड़े हिंदू हैं आप जी? कैसे साबित करेंगे इनसे बड़े वाले हिंदू हैं? देखिए कांग्रेस ने कभी राजनीति में जात धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है तो भगवान राम याद आ जाते हैं और जात की बात करते हैं। तो आपके नेता जी बहुत जा रहे थे, तो बजरंग बली जी को भी जात के बंधन में बांध दिया मुख्यमंत्री योगी जी ने। देखिए अगर योगी जी का इफेक्ट नहीं होता तो अली बजरंग बली पे चर्चा कर रहे होते हैं। देखिए मंदिर जाना, आप किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। आपको अपने आराध्य देव की पूजा करने के लिए जाना है तो क्या मुझे आप रोक लेंगे क्या? सर सर और मंदिर जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप जाति धर्म के आधार पर नहीं करते ना हॉस्पिटल ना मंदिर ना मस्जिद नहीं करते आप, मेरे को ये बताइए ना, अगर अली बजरंग बली का फैक्टर ना होता तो आप चर्चा कर रहे होते? अगर योगी फैक्टर ना अगर होता तो आप चर्चा कर रहे होते? और अगर योगी फैक्टर वाकई में ना होता तो तीन राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया उस पर चर्चा कर रहे होते? आवाज चली गई, ठीक है आवाज कनेक्ट करिए, फोन डिस्कनेक्ट करके दोबारा से मुकेश जी को कनेक्ट करिए। एके मिश्रा साहब, ये तो तय है कि 2019 भी एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा अगर वाकई में बीजेपी योगी को लेकर सीरियस हुई तो। नहीं ये फैक्ट है, देखिए मैं आपको बताऊं, 4-6 महीने बचे हुए हैं, विकास का कौन सा काम हो सकता है भाई? प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें बीजेपी एक बहुत अच्छा चीज कर सकती है कि अगर संविधान में ऐसी कोई गुंजाइश है कि इलेक्शन को 4-6 महीने टाला जा सकता है तो बीजेपी ये टाइम गेन करने के लिए करेगी। हो सकता है 6 महीने टाल दे, जैसे यूपी में निकाय चुनाव, अगर किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछिएगा। नहीं ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं ठीक है चलिए, अगर संभव नहीं है तो देखिए दूसरी चीज है, अब बीजेपी करेगी क्या? फौरी तौर पर यह राहत देगी पब्लिक को, हो सकता है बहुत सारी ऐसी स्कीमें दे, 4-6 महीने में ये क्या करेंगे? ना मंदिर बना पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, एक भी अपने हार्ड कोर्ट, अब क्या ये भारत को विश्वगुरु बना देंगे क्या 6 महीने में? तो सरकार चाहे कांग्रेस की बने स्टेट में, चाहे बीजेपी की बने सेंटर में, मजा जो है पब्लिक को आने वाला है। बहुत सारी राहत रियायतें, दोनों किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बीजेपी अभी तक नहीं कर रही थी, या कांग्रेस आ करके इन्फ्लुएंस करने के यही तरीके हैं 4-6 महीने में। कोई हार्डकोर अब ये मंदिर तो बनवा नहीं पाएंगे 4 महीने में, उसमें बहुत सारे पेच हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लग रहा है, ये अब बीजेपी को समझ में आएगा। मोदी जैसे ब्रांड को बनाने में टाइम लगता है सर, 4 साल इन्होंने टाइम लगा दिए, फॉरेन से लेके यहाँ तक बड़ी मेहनत की। मुकेश जी कनेक्ट हो गए, अब इनके पास कोई है नहीं कि दूसरा ब्रांड किसको लाएंगे। अब इन नतीजों के आधार पर किंतु परंतु आप लोग सरकार बनाने की बात जो कर रहे हैं मुकेश जी,
ये सवाल है कि 113 सीटें जो है रुझान में दिखाई दे रही हैं बीजेपी की और 106 सीटें हो गई है कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, इन चुनावों के हिसाब से आपको लगता है कि राहुल ब्रांड बन गए? राहुल ब्रांड बन गए आप, यस और नो? सिर्फ मुद्दे पे बात करेगा, चुनावी नतीजे छोड़ दीजिए, आप राहुल ब्रांड बन गए? देखिए तीन जो तीन राज्यों के जो रुझान है उससे बहुत क्लियर है कि अब राहुल गांधी जी को इस देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में देखना चाहती है। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ ये सब स्टेट जो हैं एक बीजेपी के खिलाफ माहौल है, जो नीतियां रही है केंद्र सरकार की उनके खिलाफ माहौल है। जिस तरह से जो मोदी जी ने वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात कही थी, कालाधन लाने की बात कही थी, राहुल ब्रांड बन गए हैं, यस और नो? जब जनता उनमें विश्वास करने लगी तो ब्रांड तो बनी गए, जनता उनके विश्वास करने लगी है। और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे, तो देश की जनता उनको अब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है 2019 में। सेटिस्फैक्टरी नहीं है छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी सेटिस्फैक्टरी रुझान नहीं है जी, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी कहीं जगह पर भी क्लियर मैंडेट नहीं है। तो ऐसे में अरे राजस्थान भी देख लीजिए भैया, मतलब क्या आंकड़े आप भी देख लीजिए, अभी हमारे पास पूरा नहीं हो रहा आंकड़े, नहीं मर आप आंकड़े देख लीजिए, राजस्थान के भी देख लीजिए। संतोष क्या हमने अभी रुझान कहा है, अभी तिलकी रुझान कहा है, और अभी जब परिणाम आएंगे तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े होंगे, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। राहुल ब्रांड बन गए, राहुल गांधी तो ब्रांड है ही है राहुल गांधी जी। अच्छा तो फिर सपा और बसपा क्यों नहीं मानती उन्हें ब्रांड? जो देश के नौजवानों की बात करता हो, जो किसानों की बात करता हो, जो वंचितों की बात करता हो, मजदूरों की बात करता हो, वो इस देश का ब्रांड है। नहीं, वो राहुल गांधी जी इन सभी की लड़ाई लड़ते हैं। 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए इससे पहले अगर राहुल ब्रांड थे तो वो ब्रांड पसंद नहीं आया था, तो मैंने आपसे यही पूछा कि क्या सपा और बसपा, देखिए सपा और बसपा इस ब्रांड को कबूल कर लेंगे? तिलक जी, तिलक जी राजनीति में अब दो आप कहेंगे 2014 क्यों आ रहे, 2014 हमारे अंदर कुछ खामियां रही होंगी, हमारे कार्यों में कुछ त्रुटि रही होगी तो हमको जनता ने बेदखल किया। अब 2014 के बाद जो आशा जो विश्वास जगाया था जनता के बीच में मोदी जी ने, आज उन पे खरा नहीं उतर पाए तो आज लगातार वो डिफीट कर रहे हैं। 282 इनके सीटें थी लोकसभा के अंदर, जितने भी इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए पाल घर को छोड़ दीजिए, एक भी बाई इलेक्शन नहीं जीते, आज 272 के नीचे इनका आंकड़ा आ गया है। तो आप बताइए किसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है? उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष पद तक के सफर में आपने कितने राज्य खोया मालूम है आपको? मुकेश जी आवाज चली गई होगी मुझे उम्मीद है, फोन कट गया होगा, इसको डिस्कनेक्ट करिए और फिर से जोड़िए। ए के मिश्रा साहब, ये वाकई में कांग्रेस के लिए ऊर्जा ला रहे हैं नतीजे? ऊर्जा नहीं, पूरी संजीवनी ला रहे हैं। देखिए कांग्रेस की हालत ये हो गई थी लगातार, जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन राहुल गांधी के ऊपर लग रहा था। मैं बोलता हूं अगर ये सरकार नहीं भी बना पाते हैं इन दोनों हिंदी राजस्थान और एमपी में, एक मिनट के लिए मान लीजिए, लेकिन इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आना, वोट बैंक नंबर ऑफ सीट्स बढ़ना, जो ये एकदम सिमटते जा रहे थे 10 सीट 20 सीट 25 सीट इस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई थी, ये अस्तित्व एक विशाल का है जो है आप ये समझिए कि पार्टी के रूप में खड़ा होता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप कांग्रेस प्लस देखिए, मतलब जो इन लोगों का महागठबंधन बनेगा,
अभी तक चैलेंज था, ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या उसके हेड रहेंगे, जो बनेगा हम लोगों का महागठबंधन। इससे राहुल गांधी की दावेदारी एक बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हुई है। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस के वर्कर, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर है, उनका मनोबल और नई ऊर्जा का संचार होगा और अभी वो 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। तो हो सकता है रिजल्ट आगे 2019 में भी बहुत अच्छा आ जाए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी 2019। उसके पीछे रीजन है, जितने मुद्दे थे, राम रहीम, ये वो, मंदिर मस्जिद, पेट्रोल, इकोनॉमी, विश्वगुरु, सारे मुद्दे तो इन्होंने यूज कर लिए, योगी भी कर लिए, मोदी भी कर लिया। अब रिजल्ट, अगर इतने मुद्दे यूज करने के बाद अगर रिजल्ट डाउन जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि इनका जो मुद्दा है, जो उसके प्रभाव थे, जो उसका मैग्नेटिज्म था, वो लॉस्ट हो रही है, वो खो रही है। देखिए, अब ये नया मुद्दा क्या लाएंगे? नहीं, ये बात तो कांग्रेस पे भी लागू हो रही है, दोनों पे हो रही है, लेकिन कांग्रेस ग्रो कर, कांग्रेस गलतियों के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। नहीं नहीं, तो फिर अगर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है तो ये एक और बड़ा प्रश्न है कि महागठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कोई कमजोर अगर कांग्रेस रहती तो और छोटी पार्टियों को थोड़ी सी कंफर्टेबल फील होती है कि चलो हम बराबर के दर्जे पर हैं। अब मुझे लगता है चौथा मोर्चा ना खड़ा हो जाए, फिर तो एक तरफा, अब ममता, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की नेतृत्व स्वीकार कर लेंगी? उसके पीछे ये भी एक बड़ा प्रश्न है, आपको बताता हूं। अभी चौथा मोर्चा भी खड़ा होना है। अगर कांग्रेस वाकई में मजबूत थी इन राज्यों के चुनावों में दिखाई दे रहा था, जिस तरह से जो दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, तो फिर यहाँ पर जो फिगर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस में भी कांग्रेस उसको कैश ही नहीं करा पाई। ये कांग्रेस के लिए ये बड़ा निराशाजनक है, ये निराशाजनक ही बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। मैं ये फिर कहता हूँ, क्योंकि तीन राज्यों में तीन एंटी इनकमबेंसी थी, जितना खराब माहौल था लगातार राजस्थान में, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल खत्म ही हो गई भाजपा। उसके बाद कांग्रेस उसको कैश ही नहीं करा पाई, मध्य प्रदेश में नहीं करा पाई। तो ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की। वो ये है कि इतना जबरदस्त निगेटिव फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी इतनी सम्मानजनक हार या इतने सम्मानजनक सीटें ये मेंटेन करके रखे हैं। दूसरी और कोई पार्टी होती, ये बीजेपी का पूरा पीएम से लेके बीएम यानी प्राइम मिनिस्टर से लेके बूथ मैनेजमेंट तक का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ये उसकी खूबी है कि इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। कोई और पार्टी, देखिए 2014 में कांग्रेस की यही हालत थी, बीजेपी ने ऐसा इनकैश किया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश से। तो डेफिनेटली बीजेपी के अंदर कुछ इन्होंने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया है, जो मैनेजमेंट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पूरा इन्होंने बदल करके रख दिया है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में। उसी के कारण ये इतना टिके हुए हैं राजस्थान और एमपी में, और अभी भी उनको होप है कि शायद हम सरकार बना ले, नहीं तो ये साफ हो गए होते। मुकेश जी, कांग्रेस नहीं कर पाती। मुकेश जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो दिखाई देती है, जो बूथ लेवल की पार्टी है बीजेपी जो दावा करती है, और वहां पर आप कमजोर इसलिए दिखाई देते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी आप सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाते, मानते हैं आप इस बात को? देखिए, जिस तरह से बीजेपी बताते हैं, हम पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, आप छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश में भी जब अभी परिणाम आते आते, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, सारी खराब होती जा रही है, पता चल जाएगा कौन पन्ना प्रमुख था, कौन क्या था। हमारी और बेहतर स्थिति हो सकती थी, लेकिन अब जनता जनार्दन जो भी हमको, वही तो पूछ रहा हूँ, जो दिया है उसको हम स्वीकारेंगे। सर, आपने राहुल जी को बताया जीत का क्रेडिट उनको जाना चाहिए, तो तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो परफॉर्मेंस दिखाई दी आपको, जो परफॉर्मेंस के आपने कहीं उम्मीद जताई थी? जीत का क्रेडिट इसलिए जाना चाहिए, जीत का क्रेडिट इसलिए जाना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उनको उजागर करने का, चाहे राफेल का मामला हो, जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बात कही थी वो नहीं दे पाए, जिस तरह से विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी वो नहीं कर पाए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो नहीं कर पाए, तो हमारे नेता ने रेट तो 15 रुपए कर, सारे प्रदेशों में रैलियां करके जो माहौल क्रिएट किया है उसकी वजह से कांग्रेस नहीं है। अगर इन मुद्दों को आप इनकैश कर लिए होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता कांग्रेस एमपी से।
आप लोग नहीं कर पाए बीजेपी की गलतियों को, आप लोग हाईलाइट भी नहीं कर पाए सर। भाई राफेल का मुद्दा भी फुस हो गया, कहां राफेल का मुद्दा चला? मुकेश जी चला ही नहीं कुछ। मुकेश जी अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, आपको राजस्थान में कितनी उम्मीद थी, छोड़िए ना बातों को, कितनी उम्मीद थी जी सर, कितनी उम्मीद थी? फोन कट सकता है, अभी अब तो रुझान आ रहे हैं, परिणाम बदल गए, अब परिणाम में आ जाएगा तो कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी, अभी हम क्या बताते हैं आपको। सर एक होता है ना कि भैया मैं एग्जाम दे दूंगा, मैं उस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे मालूम है कि भैया मैं 70% नंबर लेकर आऊंगा, किसी भी हाल में फर्स्ट डिविजन से पास हूंगा। एक होता है भैया मैंने 33 नंबर का पेपर किया तो पास हूंगा, 33 नंबर ही लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा विश्वास है तिलक जी, जब मतगणना कम्प्लीट होगी, जब परिणाम आ चुके होंगे पूरे, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी, ये मेरा विश्वास है। राजस्थान में कुछ तो उम्मीद होगी ना कि इतना फिगर हम लेकर आएंगे। 100 पर नहीं जा रहे सर, मध्य प्रदेश में अटक गए। राजस्थान में ऑलरेडी बहुमत हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप कर चुके हैं, तो वो तो आपके सामने रिजल्ट है, अब उसमें बताने की जरूरत नहीं कि हम कितना पाएंगे क्या करेंगे, ये चुनाव से पहले बात होती है, चुनाव में तो परिणाम आ जाता है। अच्छा यानी आपने उम्मीद की थी कि भैया हम 33 नंबर लेकर ही पास होंगे, और हम पास होकर दिखा दिया हमने, यही थी उम्मीद, मैं मान लूं? लेकिन सरकार जो है, चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे राजस्थान में कांग्रेस बनी, मध्य प्रदेश में अंतक अंतक कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी इससे पूरे देश में जनमानस में जो संदेश जाएगा कि कांग्रेस 2019 में मोदी जी को बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। नहीं वो तो आप सर विपक्ष में तो आप भी कर रहे थे, मिजोरम और तेलंगाना में कर रहे थे आप, तो मिजोरम तेलंगाना में क्यों आ रहे आप लोग सर? आप चुनौती पेश करने जा रहे थे, मिजोरम भी आपके हाथ से निकल गया, तेलंगाना में भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही, डबल फिगर में भी नहीं आए आप। नहीं डबल फिगर पहुंच गए, पहुंच गए, चलिए लगभग वो एक ही बराबर, मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है ना वो। और कर्नाटक में भी सरकार आपकी बनी, कोलिशन बनी, उसमें आपकी सीटें बहुत घटी है, मॉरल विक्ट्री है मैं मान लू। सरकार तो कांग्रेस की ही है गठबंधन में, वहां पर किसी और की है। सर मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक तो कबूल कर लीजिए, अगर आप लोग जीत रहे हैं यही आपके लिए, हम आपको पूरी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग ज्यादा अच्छा कर सकते थे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीतिक कमियां रही है, कि जो एक बना बनाया माहौल था उसको उतने अच्छे से नहीं बना कैश करा पाए, जो कुछ आप जीते बहुत अच्छी बात है। सवाल तो यही था ना कि क्यों, वजह क्या रही? ये जीत का जश्न का भी समय है, आत्मालोचना का भी समय, आत्मंथन का भी समय, आत्मचिंतन होगा इस पे। सर 2014 से आत्मचिंतन हो रहा है और उसका रिजल्ट नहीं निकला, जब 14 में इलेक्शन आ रहे थे तब भी आत्मचिंतन, हर स्टेट के बाद आत्मचिंतन हो रहा है, जबकि रिजल्ट क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ये चीज, वो पता नहीं चल पा रही है, क्यों बॉर्डर लाइन पे पहुंच के आप लोग रुक जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, राजस्थान में सरकार बना रही है, और मध्य प्रदेश में मतगणना राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल आप ही थे, आंकड़े दिखाएगी। सर आपका मुकाबला था बीजेपी के साथ, चलिए ठीक है। मुकेश जी आप थोड़ा पानी और पीजिए, मेरे को एक बात समझाइए मिश्रा जी, ये नतीजे जो बता रहे हैं एमपी में, जिस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि शिवराज अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने में कामयाब हुए, या फिर वाकई में जो है राहुल उस तरीके से कैश नहीं कर पाए? नहीं नहीं देखिए, एक चीज तो फैक्ट है, न शिवराज न मोदी जी ये लोग अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके नहीं रख पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये हर इलेक्शन कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए बड़ा गोल्डन चांस होता है, ये लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मुद्दों को इनकैश नहीं कर पाते हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पे दोनों लोगों की परफॉर्मेंस है। अगर कांग्रेस चाहती अच्छे तरीके से मल्टी लेयर में अगर ये मैनेज करते ना, तो कांग्रेस ये क्लीन स्वीप वाली कंडीशन में आ सकती थी। ये जो नतीजे हैं ये सिंपल है, ये नतीजा ये है कि पब्लिक उतनी ही पब्लिक बीजेपी से नाखुश है जितनी पब्लिक कांग्रेस, भाई कांग्रेस को इतने वोट क्यों मिले, क्योंकि वो बीजेपी से नाखुश है, तो बीजेपी के खिलाफ तो ये मैंडेट है ही एक तरीके से, लेकिन कांग्रेस के फेवर में भी नहीं है। नहीं नहीं तो कांग्रेस इसको अपने फेवर में इनकैश नहीं कर पाई। देखिए है क्या, अगर बीजेपी से लोग बहुत खुश होते
तो वो क्लीन स्वीप वाला जो है मैंडेट बीजेपी के लिए आ जाता है। अनु जी फिर ये कांग्रेस के पक्ष में भी कहां है? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है और मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला रही है, मैं वही से माना जाता है। और संघ ने कहीं ना कहीं अपने कैडर पे अपने कामों से और अपने एक वैचारिक और हिंदुत्व के मुद्दे से कम से कम फेलियर है। मैं सबसे बड़ा फेलियर आरएसएस का है। अगर मध्य प्रदेश में फाइट दे रहे तब भी ये फेलियर है। देखिए अगर प्रयोगशाला है आपकी और आपका वहां पर तो कोई मतलब एक तरीके से 15 साल आपने काम किया है, आपने हिंदुत्व को प्रयोगशाला बनाकर वहां पर एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा किया है, उसकी एक्सेप्टेंस अगर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है तो ये भाजपा के लिए संघ के लिए चिंतनीय प्रश्न है। आपको बताता हूँ, चावला जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्ण मतलब महाभारत के युद्ध में पूरी नारायणी सेना लगी है और जीत रहे हैं पांडव। आरएसएस के सारे वर्कर लगे हैं, बीजेपी के सारे वो लगे हैं, हायर्ड एजेंसीज लगी हुई है, बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी का, हर चीज है, उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में है, स्टेट में है, सीएम के चेहरे उनके पास, मुख्यमंत्री के चेहरे उनके पास, पीएम जैसा ब्रांड उनके पास, योगी जैसा जो है हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर जो है ब्रांड दूसरे स्टेट से आ रहा है केवल हिंदुत्व के लिए। इतना बड़ा इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाने के बाद भी कौरव युद्ध हार गए थे, तो ये बीजेपी का सेम है। इतनी बड़ी नारायणी सेना, मीडिया, ये वो, मैनेजमेंट, बेस्ट स्ट्रेटजी, इतना मैन पावर, आरएसएस के इतने लोग दिन रात लगे हुए हैं, घर घर जाके कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं कि भाई वोट दीजिए, और इस तब जाके इज्जत बचा पा रहे हैं। नहीं, इज्जत भी पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। क्वेश्चन वही है कि इतनी मेहनत, इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाई तो इसीलिए कि बॉर्डर लाइन पे जाके अटक जाए? तो ये क्वेश्चन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के मैनेजमेंट के लिए। देखिए इससे हुआ क्या, बीजेपी के सारे मुद्दे अब निष्प्रभावी हो गए हैं। आप देख लीजिए, ये ना विकास की बात करेंगे, ना मंदिर की बात करेंगे, ना राम की। ये इलेक्शन के बाद 2019 तक ये करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल के दाम सस्ते, फौरी तौर पे जो राहत, जीएसटी टैक्स में राहत, उसमें बिजली में रेट में कटौती, रेलवे में जो है टिकट जो है सस्ता हो गया, फ्रीवीज आएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है तुरंत पब्लिक के ऊपर पड़े और पब्लिक रिलैक्स महसूस करे। अब 56 इंच सीने की बात नहीं होगी, अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की बात नहीं होगी, अब बात होगी तुरंत और तुरंत पब्लिक को जो है फौरी तौर पर राहत दिया जाए। और दूसरी चीज, विपक्ष को कमजोर करने के लिए और बहुत सारी चीजें, उसको बदनाम करने के लिए आगे चर्चा का विषय अभी तो कर। मुकेश जी, मुकेश जी, मुझे खबर मिली है आपको निकलना है। सर मुझे निकलना। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में 72 बीजेपी, कांग्रेस 102 और अन्य 25, मध्य प्रदेश में 111 बीजेपी, 108 रुझान के हिसाब से कांग्रेस और 11 अन्य। अब ये बताइए सर, ये पूरा निचोड़ आप समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ ठीक है, तेलंगाना में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जो भी है, क्या कुल मिलाकर मैं मान लूं कि राहुल मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हैं और राहुल ही विकल्प हैं? कैसे साबित करेंगे आप इन आंकड़ों के हिसाब से, जहां पर आपको पूरी तरह से सत्ता विरोधी लहर का लाभ मिला है? देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, आंकड़े से लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव का जो रुझान है, ये परिणाम में जब बदलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, उसके पास बहुमत के आंकड़े आ जाएंगे। अरे तो कांग्रेस को आपने 106 तक, जो आंकड़े आप दिखा रहे टीवी स्क्रीन पे, 106 तक पहुंच गया था, अब 108 आ गया और ऊपर नीचे एक दो चल रहा है, अभी परिणाम नहीं आए। परिणाम जब आ जाएंगे तो हम आंकड़ों को त्रास कर जाएंगे बहुत के। और 2014 की बात है, 2014 मुद्दों पे लड़े जाएंगे, फिर 2018-19 प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर बताना पड़ेगा, विदेश से काला धन कितना आया वो बताना पड़ेगा। सर इसमें बताया ना आपने सब कुछ, महंगाई बढ़ा दी, राफेल, सब कुछ, सारे मुद्दे, कोई तो छोड़ा नहीं, बजरंग बली सब आ गया सर इसमें, सेमीफाइनल था ना सर। ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है, चली गई होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश सिंह चौहान जी, एक बार फिर से आप जो जिसे आप जीत बता रहे हैं उसकी मुबारकबाद लेते जाइए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अगर ये आपकी जीत है तो एमपी और राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल कही है, उन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या वाकई में एमपी में जो पेच फंसा हुआ है
उसमें बीजेपी अपना दांव चलकर एमपी बचा लेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।